सिलवासना कला केन्द्र खाते संघ प्रदेश में आधार नो उपयोग ने प्रोत्साहन आपवा माटे प्रशासन द्वारा कार्यशाला नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तरीके UIDAI हेडक्वार्टर उप महानिर्देशक आमोद कुमार दाहन, दमण दीव प्रशासन सलाहकार विकास आनंद, DBT डायरेक्टर सौरभ कुमार तिवारी, UIDAI RO मुंबई सुमनेश जोशी उपस्थित रहा था। आ कार्यशाला में आमोद कुमारे आधार प्रमाणीकरण ना महत्व अने UTDNSH अने TD मां तेनो वधतो उपयोग अंगे जानकारी आपी। तेमणे जणाव्युं हतुं के आधार ज व्यक्तिनी ओळख छे। तेमणे आधार प्रमाणीकरण ने फेस ऑथ फीचर पण पेश कर्या हता। हम सब लोग जानते ही हैं कि आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक फिगर एंड कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे उपस्थित हर किसी का आधार कार्ड और आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। टॉकिंग अबाउट द सैचुरेशन सर, इन द एंटायर टेरिटरी हमारा जो कवरेज आज के दिन में है 30th September, एज ऑन 30th September इट इज 5,98,689। अगर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एज पर 221 हम लोग देखें तो दैट इज कमिंग अराउंड 638 एंड 399। हमारी जैसे मीटिंग में बात हुई कि जो कवरेज हमें करना है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन 0 to 5, उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड एफर्ट्स करेंगे। एक चीज ये भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे टेरिटरी में रेवेन्यू कैंप्स होते हैं वहां पे आधार रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर अपडेशन हम लोग अलग से भी कैंप लगाते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, आज के दिन में हमारे पास 30+ सेंटर्स है फॉर द एंटायर टेरिटरी, तो वहां पे IEC मटेरियल लगा के एक अलग सी पहचान भी दिलवाने की हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सर, ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है इससे क्या फायदा होगा और क्या जानकारी यहाँ पे दी जाएगी? ये जो कार्यशाला का आयोजन हमने किया UT ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव के सहयोग से, तो इसका मकसद यह है कि चूँकि आधार तो अब हमने सब लोगों को दे दिया है और एडल्ट्स को ऑलमोस्ट आधार मिल चुका है, तो अब आधार को यूज़ कैसे करें और जो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं सिटीजन्स को उसको कैसे पेपरलेस मैनर में, प्रेजेंसलेस मैनर में, कैशलेस मैनर में हम उनको प्रदान करें, तो डिजिटल आइडेंटिटी को यूज करके सर्विसेज कैसे दी जाएं, तो उसके बारे में हम सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आधार के यूज़ केसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अदर स्टेट्स के अंदर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पर उनको बता रहे हैं और नई नई सर्विस में कैसे हम इसको लाके घर बैठे आप सर्विस में अप्लाई कर सकें उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। सर, क्या चेंजेस आया गया है अब पहले से लेकर अभी तक? चेंजेस इतने सारे चेंजेस आए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जब आधार डिजिटल आइडेंटिटी सब लोगों को दे दिया गया और उससे हम अपने आप को ऑथेंटिकेट कहीं पे भी करा सकते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो पहले 40 करोड़ ही अकाउंट होते थे आज 80 करोड़ से ऊपर अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आधार को यूज़ करके 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए हैं, और जब अकाउंट खुल गया और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए प्लेटफॉर्म और बन गए। UPI सबको पता है आज वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है, डिजिटल ट्रांजेक्शन उसमें हो रहे हैं QR कोड के जरिए, और जब डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ये डिजिटल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये और दूसरा चेंज आप देखिए राशन कार्ड के अंदर, पहले बेनिफिशरीज एक राशन कार्ड शॉप से जुड़े रहते थे, वो दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकता था और जिस जगह का है वहीं से उसको राशन मिलता था। अभी आधार आने से वन राशन कार्ड वन नेशन ये आ गया है। आज अगर बिहार से कोई काम करने हमारे दादरा नगर हवेली में आता है तो वो अपना राशन यहाँ ले सकता है, फैमिली वाले राशन बिहार में ले सकते हैं। ये जो एक एम्पावरमेंट क्रिएट हुआ है आधार के आने से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में अकाउंट खोलना है तो आप ऑनलाइन जाके अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वर्कशॉप के अंदर हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि और भी सर्विसेज जो हैं UT ऑफ दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कैसे उनको ऑटोमेट कर पाएँ और कैसे हम एक डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर पाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत प्रदान कर पाएँ। सर, वोटिंग कार्ड को भी आधार से लिंक कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? नहीं जी, बेनिफिट आधार का चाहे वो वोटिंग कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट हो।